हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है वर्क कर रही थी काफ़ी टाइम से कि कैसे सिलेबस को रिड्यूस किया जाए, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने अपना एक ड्राफ्ट जो है वो रिलीज़ किया है 10th 12th के लिए एग्ज़ाम में। काफ़ी चेंजेस जो हैं इस बार किए गए हैं, तो एनसीईआरटी जो है सिलेबस को कट करने के बिल्कुल अगेंस्ट में है, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स भी ट्वीट करके ये बोल रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्टूडेंट्स का वेस्ट हो गया है, इसलिए जो पूरा करिकुलम है या सिलेबस है उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। सो एनसीईआरटी की मीटिंग हुई थी, आपको पता है 4 जून को, जिसमें सीबीएसई ने बोला था एनसीईआरटी को कि सारे 10th की और 12th की सिलेबस को एनालाइज करें और उसको रैशनलाइज करें करिकुलम को, ताकि इस साल जो है थोड़ा बर्डन जो है वो कम हो बच्चों के ऊपर और उनको अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिले। सो इसलिए एक एनसीईआरटी ने एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है। हालांकि इस ड्राफ्ट पे अभी सीबीएसई का अप्रूवल या फिर अप्रूवल होना जो है वो बाकी है। सो एक ड्राफ्ट जो उसमें तैयार किया है उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं इस ड्राफ्ट में, क्योंकि काउंसिल जो है एनसीईआरटी ने वो बिल्कुल मना किया है कि सिलेबस को हम कट नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसको कट किया जाए और स्टूडेंट की लर्निंग में ये गैप क्रिएट करेगा अगर हमने कोई सा भी सिलेबस जो है या कोई सा भी चैप्टर उसको कट किया तो इसलिए कटिंग ऑफ सिलेबस तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल मना कर दिया है। इंस्टेड ऑफ कटिंग दिस सिलेबस उसने एक न्यू ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट के अंदर उसने डिफरेंशिएट किया है पूरे सिलेबस को, दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है, टॉपिक्स में और थीम्स में, राइट। तो दो चीज़ों में जो है इस ड्राफ्ट में बोला गया है कि इस तरह से हम अपने सिलेबस को डिफरेंशिएट करेंगे टॉपिक्स में और थीम्स में। अभी टॉपिक्स और थीम्स क्या है, एक उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो वो टॉपिक्स होंगे वो थीम्स होंगे जो न्यू है इस बार, और जो टीचर जो है टीचर के अकॉर्डिंग जो है टीचर के थ्रू पढ़ाए जाएंगे, और एक सेकंड नंबर पे टॉपिक्स वो आएंगे जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के थ्रू कवर करेगा, राइट। तो इस तरह से दो चीज़ें हैं, एक तो वो जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल जो नए हैं वो टीचर के थ्रू पढ़ाए जाएंगे, और एक वो जो पुराने आपके जो है लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिए थे जो बेसिक हैं कह सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेल्फ स्टडी के लिए चुने गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी इस वीडियो में। सो इस सेकेंड वाले जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करेंगे उसके अंदर वो कंसेप्ट हैं जो स्टूडेंट ने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं और उसको इस वाली क्लास में जो है अच्छे से इलाबोरेट करके समझाया गया है। तो इस तरह से जो है टॉपिक्स जो होंगे जो टीचर पढ़ाएगी, जो न्यू टॉपिक्स हैं जो टीचर जो है एक्सप्लेन करेगी स्टूडेंट को, वो टॉपिक्स जो है एक्सेस होंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये एक नई बात और जो है इस ड्राफ्ट में सामने आई है कि वो टॉपिक्स जो नए हैं और जो टीचर पढ़ाएगी बच्चों को वो है एक्सेस होंगे बोर्ड एग्जाम में। यानी कि आपको पता है जो बोर्ड एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो बोर्ड असेसमेंट यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि 80 मार्क्स का होता है उसमें सिर्फ वही टॉपिक आएंगे जो टीचर पढ़ाएगी। इसके अलावा वो टॉपिक जो कि सेल्फ स्टडी में चुने गए हैं वो है स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के अंदर। बच्चा जो भी सेल्फ स्टडी करेगा या फिर वो सब चीज़ें सारी की सारी स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगी, और जैसा आपको पता है जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो स्कूल खुद करता है और वो 20 मार्क्स का होता है और हर सब्जेक्ट में होता है। तो इस तरह से जो है ये बात कही गई है एनसीईआरटी ड्राफ्ट में। तो अगर ये ड्राफ्ट जो है अप्रूव हो जाता है सीबीएसई की तरफ से, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे इस साल 21 में, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो टीचर आपको पढ़ाएगी, जो आप खुद पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी करेंगे वो स्कूल इंटरनली असेस करेगा जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। सो होप ये क्वेरी आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब इसके अलावा वो टॉपिक्स भी एनसीईआरटी ने सजेस्ट करे हैं जो कि एक स्टूडेंट जो है सेल्फ स्टडी के थ्रू करेगा, जैसे कि साइंस में टिंडल इफेक्ट है। इस बार जो 10th क्लास में एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके अंदर टिंडल इफेक्ट जो है बच्चे जो है ऑलरेडी क्लास 8th में और 9th में पढ़ चुके हैं। सो ये जो टॉपिक है वो सेल्फ स्टडी के अंदर रखा गया है, जो बच्चे खुद पढ़ेंगे और वो इंटरनली असेस होंगे बाय द स्कूल टीचर। इसके अलावा जो दो चैप्टर्स हैं साइंस में 10th में इस बार, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये भी आज जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 8th में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी जो ऐसे दो चैप्टर हैं जो कि सेल्फ स्टडी के अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, बोलीवियाज वाटर वॉर एंड मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल,
तो ये भी दो चैप्टर हैं पॉलिटिकल साइंस के जो ऑलरेडी स्टूडेंट जो है पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया है वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें प्रोजेक्ट वर्क जो है बन सकता है या बहुत सारे इनोवेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं जो टीचर जो है सजेस्ट कर सकती है स्टूडेंट को, जो कि एक इंटरनल असेसमेंट में आते हैं 20 मार्क्स के अंदर। तो इस तरह से ये एक टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी ने सजेस्ट करे हैं सेल्फ स्टडी के अंदर इंक्लूड करने के लिए। इस तरह से ये ड्राफ्ट जो है पूरा तैयार हुआ है जिसमें कोई चैप्टर कट नहीं होगा। बेसिकली कह सकते हैं कि जो बेसिक चैप्टर हैं वो जो आपने पहली क्लास में पढ़े हैं वो आपको जो है इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर आपको 20 मार्क्स के बेसिस पर आपको मिलेंगे। सो ये जो ड्राफ्ट है वो अनटिल अभी कह सकते हैं कि डिस्कशन में है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो है सीबीएसई का होगा, सीबीएसई डिसाइड करेगी कि इस सजेशंस को एनसीईआरटी के एक्सेप्ट करना है या नहीं करना या फिर कुछ चेंजेस के साथ एक्सेप्ट करना है। तो मैं आपको हर डिटेल अच्छे से वीडियो में बनाकर जो है बताऊंगी। ऐसे आगे आने वाली और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।